जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का विषय है फोर्सेस इन नेचर, जिसमें हम आज आपको दो बातें बताएंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन आपको देंगे, आफ्टर देन कितने फोर्सेस है नेचर में, इस पर आपका ध्यान आकर्षण करें। सबसे पहले फोर्सेज का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स। फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राई टू चेंजेस द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स एक प्रकार का प्रयास है जिससे या तो किसी वस्तु की पोजीशन में बदलाव कर दिया जाता है या उसकी पोजीशन में बदलाव करने का प्रयास किया जाता है। यह पुल के फॉर्म में हो सकता है, खिंचाव के फॉर्म में हो सकता है या पुश के फॉर्म में हो सकता है। साथियों, नेचर के अंदर चार प्रकार के फोर्स होते हैं। मुख्यतः फोर फोर्सेज आर प्रेजेंट इन नेचर। कौन कौन से? नंबर वन, ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर। तो ये चार फोर्सेज होते हैं दोस्तों नेचर के। अब एक एक करके आपको इन चारों की जानकारी शेयर करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। साथियों, इस धरती पर, इस यूनिवर्स में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में होने वाला अट्रैक्शन का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में चाहे वो कोई भी वस्तु क्यों ना हो, उनके बीच में होने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। इससे से मिलता जुलता होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन ग्रेविटेशन में और ग्रेविटी में थोड़ा अंतर होता है। ग्रेविटेशन में जैसा कि मैंने बताया, किन्हीं दो वस्तुओं में होने वाला अट्रैक्शन का फोर्स होता है, लेकिन ग्रेविटी में धरती और वस्तु, अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में होने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। ऑल क्लियर साथियों? ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में होने वाला अट्रैक्शन का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है किन्हीं दो चार्जेज के बीच में होने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। जैसा कि आप जानते हैं, चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो रिपेल होता है, नेगेटिव नेगेटिव हो तो भी रिपेल होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, मीन्स लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। इससे क्या निश्चित हुआ? इससे निश्चित हुआ कि चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कहा जाता है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन चार्जेस। कंफर्म। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। साथियों, एटम के दो पार्ट होते हैं, ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस।
जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये है न्यूक्लियस और ये है ऑर्बिट। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, और न्यूक्लियस में दो चीजें रहती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में रहते हैं। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है, फर्मी का साइज होता है। अब फर्मी के साइज में 10^-15 मीटर के साइज में कई प्रोटॉन कई न्यूट्रॉन रहते हैं। साथियों, इतने छोटे से साइज में अनेकों प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में आपस में इनका रहना, ये इशारा करता है कि इनके बीच में होने वाला अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। इसलिए कहा जाता है कि नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कोई होता है तो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, एंड लास्ट वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। साथियों, रेडियो एक्टिव डीके के तहत आपको पता होगा कि जो भारी भरकम न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। जनरली अनस्टेबल होने के कारण उसका डीके होता रहता है, अल्फा बीटा गामा, मैं आपको डिटेल में विस्तार से बताऊंगा। तो रेडियो एक्टिविटी डीके के तहत जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स निकलते हैं उनके बीच में होने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स एमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके। तो साथियों, आपके सामने मैंने आपको बताया कि चार फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू चार्जेस। तीसरा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और फोर्थ, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स एमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह टॉपिक, यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे ग्रेविटेशन फोर्स के अंतर्गत एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया था न्यूटन जी के द्वारा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझाने के लिए कूलाम जी ने एक लॉ दिया था, कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इन दोनों को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।